या तो दहकती आग से, नहीं तो इनके खून से। तो दोस्तों, साल बदल गया लेकिन पेन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की सलार फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर दिन पे दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती जा रही है। 22 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई सलार फिल्म को सिनेमाघरों में 12 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और फिल्म ने 12 दिनों के अंदर हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा पांचों भाषाओं से दुनिया भर में ताबड़तोड़ कलेक्शन किए हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे सलार फिल्म के 12 दिनों के वर्ल्ड वाइड ऑल लैंग्वेज कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म ने दुनिया भर से आखिर टोटल कितने करोड़ रुपए कमा लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि सलार फिल्म अगर आपने देखी तो ये फिल्म आपको कैसी लगी, सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर। दोस्तों, 2023 के अंत में पेन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की सलार 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, वही 21 दिसंबर को बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की डंकी। आप सबको क्या लगा था कि शाहरुख खान ने 2023 में पठान और जवान जैसी दो बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, तो अब उनकी डंकी फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई करेगी और कहीं ना कहीं सलार फिल्म डंकी के सामने नहीं टिक पाएगी। लेकिन दोस्तों, जैसा लोगों ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर प्रभास की सलार के सामने शाहरुख खान की फिल्म डंकी ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया। जबकि दोस्तों, यहां पर सलार फिल्म को हिंदी मार्केट में कम स्क्रीन मिली थी और फिल्म के साथ में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स भी की गई थी, मतलब कि फिल्म को लेकर नेगेटिव ट्रेंड कराए गए थे, ये कहा कि फिल्म का कलेक्शन फेक है और बहुत सारी मुश्किलों का सामना यहां पर सलार फिल्म को करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इतने सारी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भी प्रभास की फिल्म सलार ने बॉक्स ऑफिस पर जो कमाई की वो पूरी तरह से ऐतिहासिक रही। दोस्तों, प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर, प्रभास जैसे बड़े सुपरस्टार और इन दोनों का कॉम्बिनेशन सलार, जिस फिल्म से लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी और यह फिल्म उम्मीदों पर खरी भी उतरी, जिसके चलते ही फिल्म ने पहले दिन तो 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग ली थी। साथ ही साथ इस फिल्म के जो डेली कलेक्शन है वो भी काफी कमाल के आते रहे। हालांकि दोस्तों, सलार फिल्म को हिंदी मार्केट में डंकी का कंपटीशन मिला था, जिसके चलते फिल्म के पास काफी कम स्क्रीन थी हिंदी में, पर फिल्म ने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा यानी कि साउथ लैंग्वेजेस में काफी अच्छी स्क्रीन हासिल की और फिल्म के कलेक्शन भी साउथ से काफी बढ़िया आते रहे। लेकिन दोस्तों, इस वक्त का आलम यह है कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ना, उससे कहीं ज्यादा कमाई प्रभास की सलार कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें सलार के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, उससे पहले जान लेते हैं इसके एक दिन पहले रिलीज हुई शाहरुख खान की डंकी के 13 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में। शाहरुख खान की डंकी ने शुरुआती 10 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 178.25 करोड़ रुपए का किया था, वही 11वें दिन कमाए थे 11.25 करोड़ रुपए, तो 12वें दिन फिल्म का कलेक्शन 10.35 करोड़ रुपए का रहा था। हालांकि दोस्तों, शाहरुख खान की डंकी आज यानी कि अपने 13वें दिन इंडिया से नेट कलेक्शन कर रही है 6.50 करोड़ रुपए, और इसी के साथ डंकी फिल्म का शुरुआती 13 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 205.95 करोड़ रुपए, वही ऑल इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 245.49 करोड़ रुपए। बता दो दोस्तों, फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों में 162.50 करोड़ रुपए की टोटल कमाई की है, और इसी के साथ शाहरुख खान की फिल्म डंकी का शुरुआती 13 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 408 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म 13 दिनों में 408 करोड़ की कमाई दुनिया भर से कर चुकी है। लेकिन अब अगर बात करें सुपरस्टार प्रभास की सलार के 12 दिनों के कलेक्शन के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं सलार फिल्म के हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, उसके बाद जानेंगे इस फिल्म के तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा यानी कि पांचों भाषाओं के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर सलार फिल्म को डंकी के कॉम्पिटिशन की वजह से हिंदी मार्केट में कम स्क्रीन मिली थी, लेकिन फिर भी इस फिल्म ने हिंदी मार्केट से शुरुआती 10 दिनों के अंदर ही नेट कलेक्शन 131.63 करोड़ रुपए का कर लिया था, वही फिल्म ने 11वें दिन यानी कि 1 जनवरी को हिंदी नेट कलेक्शन 8.30 करोड़ रुपए का किया। हालांकि दोस्तों, सलार फिल्म के आज यानी कि 12वें दिन के हिंदी कलेक्शन में एक अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिला है, क्योंकि फिल्म के जो मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी है वो कल के मुकाबले काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है। तो जो रिपोर्ट
डेटा अभी तक आई है उसके मुताबिक सलार फिल्म अपने 12वें दिन हिंदी कलेक्शन कर रही है 5,50,00,000 रुपए और इसी के साथ सलार फिल्म का 12 दिनों में हिंदी नेट कलेक्शन 145,43,00,000 रुपए का हो चुका है, तो हिंदी ग्रोस कलेक्शन 173,35,00,000 रुपए। बता दो दोस्तों, फिल्म हिंदी मार्केट में सुपर डुपर हिट हो चुकी है। लेकिन अब अगर बात करें सलार फिल्म के सभी भाषाओं के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, दोस्तों सलार फिल्म ने शुरुआती 10 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन पांचों भाषाओं से 413,80,00,000 रुपए का किया था। वही 11वें दिन फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 14,30,00,000 रुपए का रहा। वही दोस्तों सलार फिल्म अपने 12वें दिन इंडिया से नेट कलेक्शन पांचों भाषाओं से 7,50,00,000 रुपए का कर रही है और इसी के साथ सलार का 12 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 435,60,00,000 रुपए का हो चुका है, तो ऑल इंडिया ग्रोस कलेक्शन 519,00,00,000 रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 141,00,00,000 की टोटल कमाई की है और इसी के साथ सलार फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 660,00,00,000 रुपए का हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, सलार फिल्म दुनिया भर में टोटल कमाई कर चुकी है 660,00,00,000 रुपए की, जो कि शाहरुख खान की डंकी फिल्म से कहीं ज्यादा है। तो दोस्तों सलार और डंकी की बॉक्स ऑफिस भिंडत में यहां पर प्रभास की फिल्म सलार की पूरी तरह से जीत हो चुकी है। बाकी दोस्तों, अगर आपने सलार और डंकी दोनों ही फिल्में देखी तो इन दोनों में से आपको कौन सी फिल्म बेस्ट लगी, उस फिल्म का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।